हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसके साथ हम शुरू कर देंगे हमारा एसए 2 का क्लास टेंथ का सिलेबस। हमारे एसए 1 का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। सारी वीडियो सारे चैप्टर से रिलेटेड विद प्रैक्टिस सेट विद शॉर्ट नोट्स हमारे चैनल पे अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारी वीडियोज देखिए, जिससे कि आपको एसए 1 के सिलेबस की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो सके। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा एसए 2 का सिलेबस और उसका सबसे फर्स्ट चैप्टर, दैट मीन्स कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, मनी एंड क्रेडिट। दैट मीन्स मनी एंड क्रेडिट, दैट मीन्स वो चीज़ जिसकी कि आज अगर हम कहें तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स आज की वीडियो में सिर्फ आप मनी के बारे में बात करेंगे पहले, और मनी एक ऐसा सोर्स कह सकते हो या फिर ऐसा मीडियम है जिसको कि अपने आसपास आप देखेंगे तो किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, किसी सर्विस को लेने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको मनी की ज़रूरत होनी ही है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं आज के टाइम पे हमारा जो सर्वाइवल है काफ़ी हद तक डिपेंड है किस पे, मनी पे। अगर वो कहते हैं ना, अगर हमारी जेब में पैसे नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को नहीं खरीद सकते, एक्सेप्ट मटेरियल गुड्स आप खरीद सकते हो, बट नॉन मटेरियल गुड्स, हम नॉन मटेरियल गुड्स नहीं खरीद सकते पैसों से। बट हाँ, मटेरियल थिंग्स की जब भी हम बात करेंगे तो वो सारी बिना पैसों के आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। तो उसी मनी को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज के टाइम से पहले, दैट मीन्स हजारों साल पहले, कौन से ऐसे सोर्स थे जिनका कि हम यूज़ करते थे एज अ मनी, या फिर क्या आज ही की तरह जैसे आज हम रुपी का यूज़ करते हैं एज अ करेंसी, या फिर पेपर नोट्स यूज़ करते हैं, क्या पहले भी ऐसा ही होता था? तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दैट मीन्स मनी ही वो एक मीडियम का काम करता है, वो एक साधन का काम करता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। दैट मीन्स पैसे देकर या पैसे लेकर ही हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इधर से उधर, दैट मीन्स लेने और देने का काम कर सकते हैं। तो हर इंसान क्या करता है, कोशिश करता है, प्रेफर करता है कि उसको क्या वो रिसीव कर सके, पेमेंट के तौर पे मनी। दैट मींस उस मनी का यूज कर जो भी उसको चीजें खरीदनी है, जो भी सामान उसे खरीदना है, या फिर जो वो चाहता है वो सारी चीजें वो खरीद सके, ठीक है। बट आज से कई हजार साल पहले, हम ये कह सकते हैं फिर कुछ सौ साल पहले भी ऐसा नहीं होता था। मनी को हम एज अ एक्सचेंज यूज नहीं करते थे। उससे पहले हम क्या यूज करते थे, मटेरियल्स यूज करते थे, मटेरियल थिंग यूज करते थे। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जाता था, जिसका कि एक फॉर्म है जिसको हम एक प्रोसेस बोल देते हैं, लाइक बार्टर सिस्टम। पहले क्या था, एक बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि क्या है, जो गुड्स है ना उसको डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता है विदाउट द यूज ऑफ मनी। मतलब पैसों का इसमें कोई प्लेस नहीं है, ये कह सकते हो मनी उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं था इन लोगों के लिए। तो ये क्या करते थे, चीजों को चीजों के बदले एक्सचेंज करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपको देती हूं कि क्या नाम है, दो लोग हैं, ठीक है, एक के पास गेहूं है, एक के पास शूज है, ठीक है। अगर जिसके पास गेहूं है उसको शूज खरीदने हैं तो वो क्या करेगा, गेहूं क्या देगा, शू वाले को देगा, शू वाला उसको गेहूं दे देगा, ठीक है, और वो दोनों अपना काम चला लेंगे। तो इसी तरीके से क्या करते थे, चीजें आपस में एक्सचेंज की जाती थी कि जिसको जिस सामान की नीड होती थी वो सामान उसको दे दिया जाता था और उसके रिटर्न में दूसरी चीजें वो क्या नाम है उस इंसान से ले लेता था। बट इसका एक नेगेटिव फ्लॉ भी था। वो क्या था कि ऐसा करने के लिए, दैट मीन्स बार्टर सिस्टम को सक्सेस रखने के लिए, ठीक है ना, हमें क्या चाहिए होता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की जरूरत होती थी। दैट मीन्स कि उन दोनों को ऐसा होना चाहिए कि जिसके पास शू है उसको व्हीट की नीड हो, गेहूं की नीड हो, और जिसके पास गेहूं है उसको शू की नीड हो। अगर उनमें से एक को भी दूसरे की चीज़ की नीड नहीं है तो वो अपनी चीज़ नहीं देगा ना, और ना वो दूसरे से खरीद सकता है दूसरे की चीज़, ठीक है। तो इसके लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती थी, डबल कोइंसिडेंस। दैट मीन्स कि कोइंसिडेंटली दोनों की जो नीड्स है ना, जो दोनों चाहते हैं वो सेम होनी चाहिए। Clear? That means in which both parties have to agree to sell and buy each other commodities. That means उनके पास जो भी चीज है वो दोनों एक दूसरे की खरीदना चाहते हो, तभी ये barter system success हो सकता था। अगर ऐसा नहीं है तो ये success नहीं हो सकता था, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं barter system का एक essential feature है, वो क्या है, double coincidence of wants।
ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपना एक तरीके से जो भी आपको चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नहीं यूज़ कर सकते, नहीं खरीद सकते। बट जब एज अ टाइम, मतलब ये कह सकते हो समय के साथ साथ जब मनी इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो उसने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। दैट मीन्स जब पैसे इंट्रोड्यूस हो गए, मनी इंट्रोड्यूस हो गई, तो उससे ये डबल कोइंसिडेंस वाली जो नीड थी ना वो खत्म हो गई। अब क्या है, लोगों के पास पैसे होते हैं, लोग पैसे देते हैं और जो उनको सामान चाहिए या फिर जो भी चीज़ें चाहिए वो खरीद लेते हैं बड़े आराम से। होता है ना ऐसा, आप भी ऐसा ही करते होंगे, आप भी शॉप पे जाते होंगे, पैसे देते होंगे, आपको मेडिसिन खरीदनी है या फिर आपको ग्रोसरीज खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, या जो भी आपकी नीड्स हैं वो आप कुछ ही सेकंड्स में या मिनटों में खरीद लेते हैं। क्लियर? तो ये कह सकते हो मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस, इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दैट मीन्स मनी किस तरीके से काम करती है, एक इंटरमीडिएट का काम करती है जिसमें कि चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मनी। ओके, अब हम बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की। अभी मैंने आपको बताया बार्टर सिस्टम के बारे में, जिसमें कि क्या नाम है, आपको क्या बताया मैंने कि किस तरीके से सामान के बदले सामान खरीदा जाता था। ठीक है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज से कई सौ साल पहले क्या होता था, आज की जो करेंसी है ना वैसी करेंसी नहीं होती थी। तब क्या यूज होते थे, कॉइन्स यूज होते थे। कॉइन्स भी किसके, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, इन सब के बने हुए होते थे। ठीक है ना, इन सबसे बने हुए कॉइन्स यूज होते थे या फिर ऑब्जेक्ट्स यूज होते थे। ठीक है, एनिमल्स यूज कर लिए, ठीक है ना, क्रॉप्स यूज कर ली, ये चीजें यूज होती थी जिससे कि क्या नाम है, लोग एक दूसरे से अपना जो नीड है उसके अकॉर्डिंगली सामान खरीदते थे। ठीक है, अगर देखें तो आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि किस टाइम से तुगलक के टाइम पीरियड पे कौन से कॉइन्स आए थे, अकबर ने किस तरीके की जो गोल्ड की जो मोहरे होती हैं, सिक्के होते हैं, वो लॉन्च किए थे। ठीक है ना, तो वो आपके पास, आपको आपके बुक के थ्रू भी बताया गया। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारा क्या है मॉडर्न फॉर्म, दैट मीन्स आज के टाइम पीरियड पे हम किन फॉर्म्स की का यूज करते हैं एज अ करेंसी, क्या है हमारे पास जो फॉर्म ऑफ मनी है वो क्या है। तो पहला तो क्या है, करेंसी। ठीक है, करेंसी आपके दोनों ही हो सकती हैं, लाइक मीन दैट मीन्स कॉइन्स, जो आप सिक्के देखते हो ना 5 के 10 के 2 के, ठीक है, वो सब क्या आपके कॉइन्स हैं। इसके अलावा होता है पेपर नोट, दैट मीन्स 10 रुपी नोट, 20 है, 5 रुपी नोट है, तो 100 है, 2000 है, 500 है, ये सब क्या है आपके पेपर नोट्स हैं। ठीक है, तो ये सब किस में काउंट होते हैं, करेंसी में काउंट होते हैं। दूसरा तरीका क्या है, डिपॉजिट्स विद बैंक। क्लियर, वन बाय वन हम दोनों को देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं करेंसी क्या होता है। करंसी क्या होती है, एक तरीके से किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, एक तरीके से कह सकते हो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड होती है, जो भी उस देश की गवर्नमेंट होगी वो पर्टिकुलर जो भी वहाँ की करंसी है, जैसे इंडिया की करंसी की अगर हम बात करें तो रुपी है, यूएस का बात करें तो डॉलर है ना, कहीं की यूरो है, तो इस तरीके से कहीं की दिनार है, तो ये क्या है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उसको इश्यू करती है, ऑथराइज्ड होती है उसके द्वारा। ठीक है, और हमारे अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, जो करेंसी है वो इशू करने का काम कौन करता है, आरबीआई, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हमारे कंट्री में जो करेंसी है वो इशू करने का काम करता है, चाहे वो कोई भी आपके फॉर्म ऑफ करेंसी हो। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अपनी मर्जी से नहीं करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है। ठीक है, उन्होंने उनको ये बोला हुआ है तब करते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है कि जो करेंसी रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो किस में आते हैं, आपके यूनियन लिस्ट में आते हैं। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट उससे रिलेटेड क्या है, सारी चीजें डिसाइड करती है। ओके, देन अब ऐसा नहीं है कि कोई भी क्या नाम अपने घर पे बैठ के नोट छाप सकता है या फिर कॉइन्स वगैरह बना सकता है। नो, वो कह रहे हैं कि ऐसा आप नहीं कर सकते। आरबीआई के अलावा किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ये परमिशन नहीं है कि वो करेंसी इशू कर सके या फिर प्रिंट कर सके। ओके, देन वन मोर थिंग, कि कोई भी व्यक्ति इंडिया में रहने वाला, इंडिया में कहीं पे भी रहने वाला इंसान जो हमारी इंडियन करेंसी है, दैट मीन्स रुपी, उसको लेने से मना नहीं कर सकता हमारे इंडिया के अंदर। हाँ, इंडिया से बाहर जाओगे वहां आप रुपीज को चलाने की कोशिश करो तो ऐसा नहीं हो सकता, वहां पे आपको उनकी करेंसी यूज करनी पड़ेगी। बट इन इंडिया, आप इंडिया के किसी भी कोने में अगर हैं तो आप वहां पर कोई भी इंसान आपको इंडियन करेंसी यूज करने से या फिर क्या नाम है उसको लेने से मना नहीं कर सकता। क्लियर, तो इंडिया में अगर हम कहें तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे क्या यूज होता है, रूपी। दैट मीन्स रूपी क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पे चीजों को एक्सचेंज करने के लिए, किसी भी सामान को खरीदने बेचने या फिर किसी भी चीज के लिए जो यूज होता है वो क्या है, रूपी, वो क्या है हमारी इंडियन करेंसी। क्लियर, आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम बात करते हैं डिपॉजिट्स विद बैंक। अब आप देखते होंगे आज के टाइम पे हर कोई क्या है, अपने बैंक अकाउंट खुलवाता है, बैंक में पैसे रखते हैं, है ना,
कैसे कैसे इसे पॉसिबल है, क्या ये प्रोसेस है? चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हम आज की बात करें तो अब क्या करते हैं, जो जो लोग हैं वो अपने कुछ पैसे को क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, दैट मीन्स बैंक में जमा कर देते हैं। ठीक है, कैसे होता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप बैंक में जमा कर देते हो? जैसे कि आज के टाइम पर अगर देखें तो जो भी क्या नाम है वर्किंग क्लास है हमारी, जो भी लोग जॉब करते हैं, अधिकतर लोग, मैं सबकी नहीं कहूँगी, कुछ लोग ऐसे नहीं है, अधिकतर लोगों की जो सैलरी है वो क्या होता है, ऑनलाइन पे की जाती है, उनको उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है, जिसमें कि उसको उनको क्या करना पड़ता है, अपने किसी भी बैंक में अपने नाम से एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ठीक है, जहां पर वो जो सैलरी है डायरेक्ट भी उनके अकाउंट में आ जाती है, और अगर जिसकी सैलरी डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आते तो वो क्या करते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जितनी भी उनकी नीड है उतना पैसा वो निकाल लेते हैं, दैट मीन्स रख लेते हैं साइड, और उसके अलावा जो लेफ्ट ओवर अमाउंट होता है उसको वो क्या करते हैं, बैंक में अपने नाम से अकाउंट खोलकर वो पैसे डिपॉजिट वहां पर बैंक में जमा कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका एक प्लस पॉइंट है क्या, इससे एक तो क्या होता है, इंसान के पैसे सेफ हो जाते हैं, बच जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, और दूसरा, बैंक में जब आप पैसे जमा करते हो तो बैंक क्या करता है, आपको उस पैसे पर इंटरेस्ट देता है। दैट मीन्स अगर आपने 10 रुपये जमा किए, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपने 10 रुपये जमा किए तो आपको बैंक ने क्या किया, 2 रुपये उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दिया, तो आपके ऑटोमेटिकली क्या हो गए, 10 से कितने हो गए, 12। ठीक है, आपने तो 12 नहीं जमा किए थे ना, लेकिन आपको इंटरेस्ट मिला, दैट्स वाई क्या हो गए, आपके पैसे बढ़ गए। तो प्लस पॉइंट है ना, जिस पैसे को आप अपने हाथ में रखते, अपने घर पे रखते, तो वो घर पे रखे रखे थोड़ी ना बढ़ जाते, लेकिन बैंक में आपने डिपॉजिट किया तो क्या हुआ, आपके जो पैसे है वो बढ़ गए। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं, आपने एक बार बैंक में पैसे जमा कर दिए तो कर दिए, आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, नो, जब भी आपको दोबारा रिक्वायरमेंट है आप बैंक से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कि जब भी आपको मन है, आपको नीड है, तो आप पैसे बैंक से निकाल सकते हो। इसी के साथ क्या है, जब क्या है, एक तरीके से आपने क्या किया, पैसे अकाउंट ओपन करके बैंक में जमा किए, डिपॉजिट किए, जब नीड थी तो आपने अपनी डिमांड पे विड्रॉ भी कर लिए, निकाल भी लिए, तो इसी वजह से इस प्रोसेस को, ठीक है ना, इस डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है ना, डिमांड डिपॉजिट क्यों, क्योंकि आप अपनी डिमांड पे उस डिपॉजिट किए हुए पैसे को निकाल सकते हो, इसी वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट। आज के मॉडर्न टाइम पीरियड पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ करेंसी ही आप निकालते हो और जमा कर देते हो, नहीं, एक और तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, कैश देने की बजाय पेमेंट का तरीका यूज कर सकते हो, वो है चेक के थ्रू। आज के टाइम पे आप देखते होंगे लोग मनी एक्सचेंज क्या है, ऐसा नहीं करते कि बैग में पैसे लिए या फिर हाथ में पैसे लिए किसी और को देने, नहीं, हम क्या करते हैं, एक पेपर यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं चेक। ये एक टाइप का पेपर होता है जिसपे क्या होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट आप फिल कर सकते हो जो भी आपको किसी को देनी है। ठीक है, उस पर उसका नाम होना चाहिए जो भी इंसान उसको इश्यू कर रहा है, ब्रांच कोड होना चाहिए, चेक का नंबर होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, और एक कोड होता है नीचे बैंक का पर्टिकुलर स्पेसिफिकली बनाया गया, वो कोड होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो चेक पे होती हैं, जिसके थ्रू आप कितनी भी पेमेंट एक दूसरे के बीच में की जा सकती है। ओके, एंड हाँ, एक और आज का मॉडर्न फॉर्म है क्या, ऑनलाइन पेमेंट, जिसमें कि आप यूज करते हैं लाइक फोन पे, आप इसके अलावा या यूज करते हैं पेटीएम, है ना, गूगल पे, ये सब भी क्या एक तरीके से मॉडर्न फॉर्म्स हैं जिससे कि आप विदाउट कैश पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के बीच में पेमेंट की जा सकती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं आपको बताने वाली हूं, वो क्या है, करेंसी एंड जो डिपॉजिट्स है ना, जो बैंक में किए जाते हैं ना, डिपॉजिट जमा किए जाते हैं, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लोज लिंक का काम करता है, किसके बीच में, वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। दैट मीन्स कि अगर आज का अगर हम बात करें, जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है ना, जो बैंकों का जो काम करने का तरीका है, अगर उनके पास करेंसी डिपॉजिट्स ना हो तो बैंकों का भी जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है वो चल नहीं सकता। क्यों, तो इसको डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, कि किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम के लिए जो करेंसी है और जो डिपॉजिट्स हैं वो एक बहुत क्लोज रिलेशन का या फिर एक बहुत बड़े लिंक का काम करते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप सो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम अपने आगे का जो टॉपिक है उनको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यस, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको नई और अच्छी अच्छी वीडियोज़ टाइमली मिल सकें।